Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss indeterminate forms and L'Hopital rules, which are very, very important to find the limit of a specific function. हम देखेंगे कि indeterminate forms कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है? और फिर indeterminate forms वाले function की हम limit L'Hopital rule के through किस तरह से find कर सकते हैं, okay? तो जब भी हम कोई फंक्शन एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस टाइप का, हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम चेक करें x इज इक्वल टू वन पे, लेकिन हम इसको x इज इक्वल टू वन पे नहीं चेक कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूमिरेटर में x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है, ओके? तो इसका मतलब फंक्शन की डोमेन में वन ही नहीं है, तो इसका मतलब हम x इज इक्वल टू वन पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक नहीं कर सकते. अच्छा, अब हम अगर वन पे बिहेवियर चेक नहीं कर सकते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हम वन के क्लोज वाले पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लें. अब फंक्शन के क्लोज वाले पॉइंट्स पे हम बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं? बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ओके? लिमिट की जितनी भी वीडियोस हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, ओके? अब फंक्शन का लिमिट हमने फाइंड करनी है ताकि हम इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकें एक्स इज इक्वल टू वन के क्लोज वाले पॉइंट्स पे. लेकिन अगर हम यहाँ पे लिमिट लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए एल एन वन हमारे पास जीरो होता है और एक्स माइनस वन की वैल्यू भी वन पे जीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास जीरो आउट ऑफ जीरो की फॉर्म बन जाएगी. अब जीरो आउट ऑफ जीरो को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जीरो ओवर समथिंग होता है तो हम जीरो कंसीडर करते हैं, और अगर हमारे पास समथिंग ओवर जीरो होता है तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि न्यूमिरेटर में जीरो पहले जीरो हो रहा है या डिनोमिनेटर में जीरो पहले जल्दी जीरो हो जाएगा, मतलब वन के क्लोज जाते हुए न्यूमिरेटर का जीरो पहले जीरो हो रहा है या डिनोमिनेटर पहले जीरो हो रहा है. तो ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ओके? इन जनरल अगर मैं बात करूं, इफ वी हैव अ लिमिट ऑफ द फॉर्म लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वेयर बोथ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू ए देन दिस लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट and is called an indeterminate form of type 0 over 0. अब जरूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट भी करें, ठीक है? लेकिन हमें ये बात तो कंफर्म हो गई है ना कि हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है टाइप 0 ओवर 0 की. अब हम इसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती. अब इसकी लिमिट को फाइंड करने के लिए जो हम रूल यूज करेंगे वो है एल'हॉपिटल रूल, ठीक है? एल'हॉपिटल रूल के थ्रू हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को इवेल्युएट करते हैं. अच्छा, एक और सिचुएशन हमारे पास, यानी कि एक और हमारे पास सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना चाह रहे हो, यानी कि हम लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड करना चाह रहे हो किसी फंक्शन की, और हमारे पास कुछ इस किस्म का फंक्शन हो. अगर हम इसमें इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, अगर एक्स की जगह एल एन इन्फिनिटी लेते हैं तो वो भी इन्फिनिटी, एक्स माइनस वन यानी कि एक्स माइनस वन में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वो भी हमारे पास इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की हमारे पास फॉर्म बन जाती है. अब इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते. सो अगर हमारे पास जीरो आउट ऑफ जीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है तो हम इन दोनों फॉर्म्स को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, ओके? यहाँ पे आप देखिए, इन जनरल इफ वी हैव अ लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स वेयर बोथ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एंड जी ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देन द लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट and is called an indeterminate form of the type infinity of over infinity. ये हमारे पास infinity over infinity की type बन जाती है, okay? अब हमने यहाँ पे दो types पढ़ ली हैं indeterminate form की. अब हम इन दोनों types को L'Hopital rule के through कैसे solve कर सकते हैं? देखिए,
अगर हमारे पास एफ एंड जी यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन हो एंड जी प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स क्या हो नॉट इक्वल टू जीरो हो, कहाँ पे ए पे यानी कि जिस पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करनी हो उस पे अगर हमारा जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल ना हो, और दूसरी क्या कंडीशन है, एक हमारे पास कंडीशन हमने ये पढ़ ली एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने की कि एफ एंड जी दोनों हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और जी प्राइम ऑफ एक्स यानी के डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे हम ए कह रहे हैं उस पॉइंट को वहां पे वो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा जी ये दो कंडीशंस, और तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक्स लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए एंड लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए या तो जीरो हो या फिर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, यानी कि हमारे पास अगर जीरो ओवर जीरो और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की भी टाइप बन रही हो, ठीक है, तीन कंडीशंस, या हमारे पास दोनों एक कंडीशन ये पहली कि दोनों फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो, दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास ए पॉइंट पे यानी कि जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं उस पे नॉन जीरो हो, तीसरी कंडीशन हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती हैं तो हम लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए को लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी प्राइम ऑफ एक्स एक्स एज अप्रोचेस टू ए यानी के फंक्शन की लिमिट उसके डेरिवेटिव की लिमिट बराबर हो जाएगी, लिमिट ऑफ द क्वोशेंट एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द क्वोशेंट डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव्स, ओके इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट, ओके यहाँ पे हम इसकी लिमिट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी हमारे पास दोबारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है तो दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेंगे और लिमिट फाइंड कर लेंगे, ओके? अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फंक्शन है इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है एज एक्स अप्रोचेस टू वन। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने चेक कर लिया था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि इसकी हमें एल एन वन भी हमारे पास जीरो होता है और वन माइनस वन भी हमारे पास जीरो होता है, जीरो ओवर जीरो की हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये, ओके? अब हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यस, एंड फंक्शन का डेरिवेटिव वन पे जीरो तो नहीं होता, तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लें तो हमारे पास वन बन जाता है और वन एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, ओके? तो फंक्शन का डेरिवेटिव वन पे जीरो भी नहीं होता, तो इसका मतलब हम इसके लिए एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव लेंगे एल एन एक्स का वन ओवर एक्स आ गया, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आ गया। अब हम इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे वन ओवर वन इज इक्वल टू वन, ओके? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास एक और फंक्शन है। अगर हम इसको देखें फंक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर को, तो अगर हम देखें अगर हम लिमिट अप्लाई करें ई एक्सपोनेंशियल कि पावर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और अगर हम दूसरी डिनोमिनेटर की लिमिट लें तो भी हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, यानी कि हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की टाइप बन रही है, ओके, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंशिएबल हैं, यस, इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यस, इसका डेरिवेटिव है 2x, और क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 2x इन्फिनिटी पे जीरो हो सकता है, तो नहीं, यानी कि इसका मतलब हम इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जब हमने इस पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई की यानी कि डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x।
अब हम इस पे दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स की। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास दोबारा इन्फिनिटी बन रहा है। और इसी तरह अगर हम 2x पे लिमिट अप्लाई करें एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो दोबारा इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास दोबारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म अप्लाई होगी, एक्स इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हमारे पास दोबारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। अब हम दोबारा चेक करते हैं क्या ये दोनों फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। यस, क्या डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास बनेगा 2, और 2 क्या इन्फिनिटी पे 0 हो सकता है? नहीं। तो ये हमारे पास तीनों कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं। हम इस पे अगेन एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे लाइक दिस। हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2। जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स का लिमिट इन्फिनिटी आ गया, और 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन है, जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की तो 2 ही रहा। इन्फिनिटी ओवर 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है। ओके, इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नेक्स्ट हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे पास और भी हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।